अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। बड़े सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर। और नजर आ रही सब कुछ लाइट्स? यस सर। सर किसी का माइक ऑन है तो उसमें से आवाज आ रही है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। लेक्चर नंबर 8 भी हमने पढ़ा था बैसिलस, और लेक्चर नंबर 9 भी हमने पढ़ा था क्लॉस्ट्रिडियम। वो दोनों हमारे पास स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज हैं। आज हम शुरू करेंगे नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? उसमें आएंगे हमारे पास लिस्टीरिया, कोरोनी बैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम और गार्डनेला। आज हम दो बैक्टीरिया कवर करेंगे, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेस और कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया। शुरू करते हैं कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया से। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया कॉजेस डिप्थेरिया। इट इज अ क्लब शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लब शेप का मतलब क्या है कि ये एक साइड से थोड़े से रिलेटिवली वाइडर होंगे और दूसरी साइड से रिलेटिवली नैरोवर होंगे, इसलिए हम इन्हें क्लब शेप्ड बैक्टीरिया कहते हैं। एंड दे कॉजेस डिप्थेरिया। डिप्थेरिया क्या होता है वो हम आगे जाके लेक्चर में पढ़ेंगे कि डिप्थेरिया क्या होता है, उसमें साइंस और सिम्टम्स क्या आ सकते हैं। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया को हम ग्लैब-लॉफलर बैसिलस भी कहते हैं, और ग्लैब-लॉफलर बैसिलस हमें उन साइंटिस्ट के नाम की बेस पे कहते हैं जिन्होंने इस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था 1884 में। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया आर ग्राम पॉजिटिव रॉड्स दैट अपीयर क्लब शेप्ड। क्लब शेप्ड होंगे मतलब एक साइड से थोड़े से रिलेटिवली वाइडर होंगे एज कम्पेयर टू द अदर एंड, एंड दे आर अरेंज्ड इन वी और एल शेप फॉर्मेशन ऑन ब्लड एगर। जब आप इन ब्लड एगर लॉफलर मीडियम सॉरी ब्लड एगर या फिर हमारे पास टेलोराइट एगर पे कल्चर करेंगे तो ये वी या फिर एल शेप पैटर्न में अरेंज होंगे। वी और एल शेप फॉर्मेशन को हम चाइनीज लेटर फॉर्मेशन। और ये हमारे पास जो डिजीज कॉज करते हैं उसे हम कहते हैं डिप्थेरिया। डिप्थेरिया में हमारे पास साइंस और सिम्टम्स क्या होंगे? इसके पेशेंट को फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा, बारकी कफ होगी और साथ में स्वॉलन नेक होगी। स्वॉलन नेक को हम बोल्स नेक भी कहते हैं। और जब आप पेशेंट के टॉन्सिल्स को या ओरल कैविटी को एग्जामिन करेंगे तो उसमें पेशेंट के टॉन्सिल्स इनलार्ज्ड होंगे, इनफ्लेम्ड होंगे और टॉन्सिल्स के ऊपर ग्रेइश वाइट स्यूडो मेम्ब्रेन्स होंगी। डिप्थेरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 to 5 days है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि जब पेशेंट को फर्स्ट एक्सपोजर और फर्स्ट सिम्टम के दरमियान जो गैप होता है हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो डिप्थेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 to 5 days है। उसके बाद पेशेंट को कौन से साइन और सिम्टम्स आएंगे? उसके बाद पेशेंट को फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा, बारकी कफ होगी, स्वॉलन नेक होगी और ओरल कैविटी के एग्जामिनेशन पे पेशेंट को ग्रेइश वाइट स्यूडो मेम्ब्रेन्स होंगी। इसके अलावा हमारे पास जो डिप्थेरिया है वो मायोकार्डाइटिस भी कॉज कर सकता है। मायोकार्डाइटिस की वजह से एरिथमिया हो सकते हैं और सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। इसके अलावा डिप्थेरिया हमारे पास जी नर्व की पैरालिसिस भी कॉज कर सकता है, और ये मोस्टली क्रेनियल नर्व्स को अफेक्ट करता है, ऑल्दो इट कैन अफेक्ट पेरिफेरल स्पाइनल नर्व्स। और जो हमारे पास टॉन्सिल्स के ऊपर ग्रेइश वाइट शैडो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो ग्रेइश वाइट शैडो मेम्ब्रेन्स हमारे पास नेक में ट्रैकिया में एक्सटेंड कर सकती हैं, जिसकी वजह से अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। जब आप पोरल कैविटी को एग्जामिन करेंगे तो आपको इस तरह की टॉन्सिल्स के ऊपर ग्रेइश वाइट शैडो मेम्ब्रेन्स नजर आएंगे, जैसे कि आपको इस स्लाइड में नजर आ रही है। ये हमारे पास डिप्थेरिया की डिजीज का हॉलमार्क है, पैथोनिमोनिक है। अगर आप कभी भी जिंदगी में पेशेंट के टॉन्सिल्स एग्जामिन करते हैं और उसके ऊपर इस तरह की ग्रेइश वाइट शैडो मेम्ब्रेन्स है देन इट इज डिप्थेरिया। वैसे हमारे पास टॉन्सिलाइटिस भी होता है तो उसमें सिर्फ टॉन्सिल्स इनलार्ज्ड होते हैं, इनफ्लेम्ड होते हैं और रेड होते हैं अगर हम डिप्थेरिया की बात करें। और अगर हम वायरल की बात करें तो उसमें भी टॉन्सिल्स इनलार्ज्ड होंगे, इनफ्लेम्ड होंगे, रेड होंगे, लेकिन उसमें जो इन्फ्लेमेशन होती है और रेडनेस होती है वो रिलेटिवली कम होती है एज कम्पेयर टू बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस। लेकिन अगर आप कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया की बात करेंगे तो उसमें हमेशा टॉन्सिल्स के ऊपर ग्रेइश वाइट शैडो मेम्ब्रेन्स होंगी। सो इट इज अ पैथोनिमोनिक ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया। जनरल फीचर्स की बात करें तो इट इज अ स्लेंडर ग्राम पॉजिटिव रॉड। ये हमारे पास प्लियोमॉर्फिक है, नॉन मोटाइल है और नॉन स्पोर फॉर्मिंग है। जैसे कि हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया, इट इज अ नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड। ये नॉन मोटाइल है,
और जब आप कभी ग्राम स्टेन का तरीका पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली ये होता है कि सबसे पहले बैक्टीरिया का कल्चर डेवलप करते हैं और उस कल्चर के ऊपर हम ग्राम स्टेन ऐड करते हैं और फिर उस स्टेन को अल्कोहल से वॉश करते हैं। होता इस तरह से है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम स्टेन को बहुत ज्यादा रिटेन करते हैं, जिसकी वजह से उनका कलर आता है क्रिस्टल वायलेट, ब्लू या फिर पर्पल। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम स्टेन को रिलेटिवली कम रिटेन करते हैं, जिसकी वजह से उनका कलर आता है रेड या पिंक। अब वो ग्राम स्टेन को ज्यादा या कम रिटेन क्यों कर रहे हैं? जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनमें थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल होती है, मतलब उनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो ग्राम स्टेन को ज्यादा रिटेन करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को इसलिए कम रिटेन करते हैं क्योंकि उनमें थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल होती है, इसलिए वो ग्राम स्टेन को कम रिटेन करेंगे। ये बेसिक प्रोसीजर होता है ग्राम स्टेनिंग का। अब कोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया को जब आप अल्कोहल से वॉश करते हैं तो इट टेंड्स टू लूज ऑल ऑफ इट्स स्टेन। तो मतलब जब कोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया हमारे पास लैब्स में कभी कभी एज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आएगा और कभी कभी जब आप इसे अल्कोहल से वॉश करते हैं तो ये कम्प्लीटली डीकलराइज हो सकता है। तो इसके लिए भी हम इनके लिए यूज करते हैं मेटाक्रोमेटिक स्टेन। मेटाक्रोमेटिक स्टेन की वजह से भी आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसलिए हम इस बैक्टीरिया को मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स भी कह सकते हैं। एंड दीज बैक्टीरियाज ग्रो एरोबिकली एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये ऑब्लिगेट एरोब है, एनारोबिक एनवायरनमेंट में कोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता। ट्रांसमिशन की बात करें तो जो ये नेचुरली कॉलोनाइज करते हैं ये ह्यूमंस में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को कॉलोनाइज करते हैं और इनकी जो ट्रांसमिशन होती है वो होती है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से। सिमिलरली जैसे कोरोना वायरस की ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होती है, इनकी ट्रांसमिशन भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ही होती है। विरुलेंस फैक्टर्स की बात करें तो ये प्रोड्यूस करते हैं डिप्थेरिया टॉक्सिन। डिप्थेरिया टॉक्सिन इज अ प्रोटीन इन नेचर एंड इट इज अ वेरी पावरफुल टॉक्सिन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द पैथोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव रॉड। और इसके दो फ्रेगमेंट्स होते हैं, फ्रेगमेंट ए होता है और फ्रेगमेंट बी होता है। जो हमारे पास फ्रेगमेंट बी है उसे हम बाइंडिंग फ्रेगमेंट भी कहते हैं, उसका काम होता है कि उसने सिर्फ बाइंड करना है और टॉक्सिन को सेल के अंदर लेके जाना है। जो ए फ्रेगमेंट होता है उसे हम एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। फ्रेगमेंट ए हमारे पास क्या करेगा, फ्रेगमेंट ए निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एनएडी को ब्रेक डाउन करेगा इनटू एडीपी टाइपोज और फिर फ्रेगमेंट ए उस एडीपी टाइपोज को इलोंगेशन फैक्टर 2 पे ऐड करेगा और उसे इनहिबिट करेगा। अब आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो इलोंगेशन फैक्टर 2 है वो हमारे पास ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए रिक्वायर होता है। तो अगर इलोंगेशन फैक्टर 2 हमारे पास इनहिबिट हो गया तो ट्रांसलेशन शुरू नहीं होगी, ट्रांसलेशन नहीं होगी तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास सेल डेथ हो सकती है। तो डिप्थेरिया टॉक्सिन हमारे पास इस तरह से काम करता है। डिप्थेरिया टॉक्सिन इनहिबिट्स द प्रोटीन सिंथेसिस बाय एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ इलोंगेशन फैक्टर 2। द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑल यूकैरियोटिक सेल्स रिगार्डलेस ऑफ द टिश्यू टाइप बट हैज नो इफेक्ट ऑन द एनालॉगस फैक्टर इन द प्रोकैरियोटिक सेल। ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में इलोंगेशन फैक्टर 2 को इनहिबिट करता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में इलोंगेशन फैक्टर 2 पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। जो एक्टिव ए डोमेन है इट पजेसेस एन एंजाइमेटिक एक्टिविटी दैट क्लीव्स निकोटिनामाइड फ्रॉम निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड एनएडी एंड ट्रांसफर द रिमेनिंग एडीपी राइबोस टू इलोंगेशन फैक्टर 2 थेरबाय इनएक्टिवेटिंग इट। आपको इस डायग्राम से भी समझ आ जाएगी, जो हमारे पास ये हमारे पास डिप्थीरिया टॉक्सिन है इसके दो फ्रेगमेंट्स है, एक एक्टिव कंपोनेंट ए कंपोनेंट, एक है बी फ्रेगमेंट। जो बी फ्रेगमेंट है वो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे जाकर रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और रिसेप्टर की और फिर रिसेप्टर की और टॉक्सिन की रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होगी, इंटरनलाइजेशन होगी। आफ्टर इंटरनलाइजेशन हमारे पास ए फ्रेगमेंट या फिर एक्टिव ए कंपोनेंट एक्टिवेट होगा, ए फ्रेगमेंट फिर हमारे पास निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को ब्रेक डाउन करेगा और उसे प्रोड्यूस करवाएगा एडीपी राइबोस और एडीपी राइबोस को फिर वो इलोंगेशन फैक्टर 2 पे ऐड करेगा और इलोंगेशन फैक्टर 2 को इनहिबिट करेगा। जब इलोंगेशन फैक्टर 2 इनहिबिट हो जाएगा तो फिर हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल डेथ हो सकती है। कोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जब हमारे पास होस्ट को इन्फेक्ट करेगा तो उसके नतीजे में होस्ट का इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा?
जब हमारे पास कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया हॉर्स को इन्फेक्ट करेगा तो थ्रोट में लोकल इन्फ्लेमेशन होगी और उस लोकल इन्फ्लेमेशन की वजह से फाइब्रिनस एक्सुडेट्स प्रोड्यूस होते हैं और इन फाइब्रिनस एक्सुडेट्स की वजह से हमारे पास लेश वाइट सुडोमेम्ब्रेन्स बनती हैं टॉन्सिल्स में। दूसरा ये कि जो डिप्थेरिया टॉक्सिन है इट इज़ अ प्रोटीन, तो इसके अगेंस्ट हमारे पास हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने की स्पीड रिलेटिवली स्लो होती है जिसकी वजह से हमारे पास टॉक्सिन के इफेक्ट्स शो होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर एंटीबॉडीज अगर आपने पेशेंट को वैक्सीनेट किया हुआ है इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन से, मतलब आपने जो पीछे वैक्सीन पड़ी थी डीटैप डिप्थेरिया टेटनस ए सेलुलर पर्टूसिस उसमें आप डिप्थेरिया की वैक्सीन दे रहे होते हैं, उसमें जो डिप्थेरिया का टॉक्सिन है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उस टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं और फिर जब नेक्स्ट टाइम पेशेंट को डिप्थेरिया की इन्फेक्शन होगी तो वो एंटीबॉडीज जाके डिप्थेरिया के टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन अगर आपने पेशेंट को पहले वैक्सीनेट नहीं किया हुआ तो एंटीबॉडीज इतनी स्पीड से पैदा नहीं हो पाती जिसकी वजह से पेशेंट को डिप्थेरिया के साइन और सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, एंड इफ द इन्फेक्शन एक्सटेंड टू द हार्ट ऑफ द पेशेंट देन इट कैन बी फेटल, क्योंकि ये हार्ट में मायोकार्डिटिस कॉज करते हैं जिसकी वजह से एरिथमिया और सडन कार्डिक डेथ हो सकती है। और इसकी कॉम्प्लिकेशन जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हमारे पास ग्रेश वाइट शुडो मेम्ब्रेन्स हैं वो लेरिंग्स और ट्रैकिया में एक्सटेंड कर सकती हैं जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, मायोकार्डाइटिस हो सकता है बैक्टीरिया की वजह से जिसकी वजह से एरिथमिया और सडन कार्डियक डेथ हो सकती है, नर्व वीकनेस या पैरालिसिस हो सकता है और ये स्पेशली इफेक्ट करते हैं क्रैनियल नर्व्स को, ऑल्दो इन सम केसेस वी हैव सीन द पैरालिसिस ऑफ पेरिफेरल स्पाइनल नर्व्स। उसके अलावा डिप्थेरिया हमारे पास क्यूटेनियस डिप्थेरिया भी कॉज कर सकता है। क्यूटेनियस डिप्थेरिया में डिप्थेरिया का जो बैक्टीरिया होगा वो स्किन को इन्फेक्ट करेगा और स्किन में अल्सर प्रोड्यूस करेगा, और इसका भी पैथोजेनिक यही है कि जो अल्सर प्रोड्यूस होगा स्किन में इट इज कवर्ड बाय अ ग्रेश वाइट शुद्ध मेम्ब्रेन। लैब डायग्नोसिस की बात करें कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया की तो आप इन्हें अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते हैं ब्लड टाइगर पे कल्चर करने के बाद। जब आप इन्हें ब्लड टाइगर पे कल्चर करेंगे तो ये हमारे पास ग्रैम पॉजिटिव रॉड्स के तौर पे नजर आएंगे जो कि चाइनीज लेटर पैटर्न या फिर वी और एल शेप्ड पैलिसेडिक फॉर्मेशन में अरेंज होंगे। उसके अलावा आप इन्हें इम्यूनोफ्लोरेसेंस से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एल्बर्ट स्टेन या फिर मेटाक्रोमेटिक स्टेन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। और आप इस बैक्टीरिया को कल्चर किस पे कर सकते हैं, आप इस बैक्टीरिया को ब्लड एगर पे कल्चर कर सकते हैं। अगर आप इन्हें ब्लड एगर पे कल्चर करेंगे तो इससे प्रोड्यूस होंगे क्रिस्टल वायलेट ब्लू या फिर पर्पल कॉलोनीज क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। लोफलर सीरम स्लो पे ये रैपिडली ग्रो करते हैं विद इन 6 to 8 hours और टेल्यूराइड ब्लड एगर पे भी आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। टेल्यूराइड ब्लड एगर पे इस बैक्टीरिया की हमारे पास ग्रे या फिर ब्लैक कॉलोनीज होंगे। यहाँ पर हमें आपको आपको ब्लड एगर लॉफलर सीरम स्लोप और टेलोराइड एगर दिखाया हुआ है। टेलोराइड एगर में ग्रे या फिर ब्लैक कॉलोनीज होंगी, लॉफलर सीरम स्लोप पे रैपिडली ग्रो करेंगे विद इन 6 to 8 hours जैसे आपको स्ट्रिप नजर आ रही है, और ब्लड एगर में हमारे पास ये क्रिस्टल वायलेट ब्लू या फिर पर्पल कॉलोनीज बनाएंगे, यहाँ पे आपको ब्लू कॉलोनीज नजर आ रही है। यहाँ पर बेटा हमारा कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया खत्म हो गए। अगर कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। बेटा सबको समझ आ गई है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया की? बेटा आपको समझ आ रही है? आप लेक्चर सुन रहे हैं? यस सर सुन रहे हैं। कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया के बारे में? नो सर। जी बेटा बेटा आपने कोई क्वेश्चन पूछा है? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हम दूसरा बैक्टीरिया कवर करेंगे वो है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेस।
लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनिस में हमारे पास नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव फ्रॉड है। अब जो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनिस है वो बेसिकली चार डेमोग्राफिक पॉपुलेशन में डिजीज कॉज कर सकता है। वो कौन कौन सी है बेटा? ये प्रेग्नेंट पेशेंट्स में, न्यू बॉर्न्स में और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एडल्ट में और हेल्थी एडल्ट में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। मैं चारों ग्रुप्स दोबारा रिपीट कर देता हूँ। न्यू बॉर्न पेशेंट्स मतलब जो इन्फेंट्स होते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एडल्ट और हेल्दी एडल्ट में इन्फेक्शन कॉज करेगा। न्यू बॉर्न पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एडल्ट और प्रेग्नेंट पेशेंट्स में ये कौन से इन्फेक्शन कॉज करेगा? उनमें ये कॉज करेगा मेनिनजाइटिस और सेप्सिस। और जो हमारे पास हेल्दी एडल्ट होंगे उनमें ये सिर्फ सेल्फ लिमिटिंग गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करेगा। क्योंकि ये हमारे पास सेल्फ लिमिटिंग गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज कर रहा है, इट इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द फूड इंडस्ट्री। इसके आप जनरल फीचर्स देखें तो जो हमारे पास लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनिस है, इट इज अ स्मॉल ग्राम पॉजिटिव फ्रॉड व्हिच इज अरेंज्ड इन वी और एल शेप फॉर्मेशन जस्ट लाइक कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनिस जब आप इन दोनों को ब्लड एगर पे कल्चर करेंगे तो ये दोनों हमारे पास वी और एल शेप फॉर्मेशन या फिर चाइनीज लेटर फॉर्मेशन में कॉलोनीज बनाएंगे। तो फिर आप इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे ब्लड एगर पे? ब्लड एगर पे आप जब हमारे पास दोनों चाइनीज लेटर पैटर्न में अपनी कॉलोनीज बना रहे हैं तो आप इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोटिलिटी। अभी हमने डिस्कस किया कि तो जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है वो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है और जो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनिस है इट इज अ मोटाइल बैक्टीरिया। और दूसरा हमारे पास जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है वो ब्लड एगर पे बनाते हैं क्रिस्टल वायलेट ब्लू या फिर पर्पल कॉलोनीज, और जो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनिस है वो ब्लड एगर पे बनाएंगे ग्रे कॉलोनीज। मेरा सबको समझ आई है इस पॉइंट की? क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फीचर है इन दोनों का। सर इसको एक दफा फिर से रिपीट कर दें। हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनिस और कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया ये दोनों हमारे पास ब्लड एगर पे वी और एल शेप फॉर्मेशन या फिर चाइनीज लेटर फॉर्मेशन में कॉलोनीज बनाते हैं। तो फिर आप इन्हें ब्लड एगर पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो वो हम दो चीजों के बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं। जो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनिस है इट इज अ मोटाइल बैक्टीरिया एंड कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया इज अ नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। और जो दूसरा फीचर है वो ये है कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया ब्लड एगर पे क्रिस्टल वायलेट ब्लू या फिर पर्पल कॉलोनीज बनाएगा। जैसे कि हमने इस स्लाइड में देखा कि यहाँ पर हमारे पास कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया ब्लू कॉलोनीज बना रहा है और जो हमारे पास लिस्टेरिया है ये हमारे पास ग्रे कॉलोनीज बनाएगा ब्लड एगर पे। और दूसरा फीचर है इनका मोटिलिटी। जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है इट इज अ नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, व्हेयर लिस्टेरिया इज अ मोटाइल बैक्टीरिया। बेटा क्लियर? यस सर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। द ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट एन अनयूजुअल टंबलिंग मूवमेंट दैट डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम द कॉर्निबैक्टीरियम व्हिच आर नॉन मोटाइल। वही पॉइंट दोबारा रिपीट हो रहा है कि हमारे पास टंबलिंग मोटिलिटी शो करता है और जो हमारे पास कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है वो नॉन मोटाइल है। अब टंबलिंग मोटिलिटी क्यों होती है वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि टंबलिंग मोटिलिटी बेसिकली एक्टिंग फिलामेंट्स की वजह से होता है। ये जो हमारे पास लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनिस का बैक्टीरिया है ये सेल्स के अंदर एंटर होता है और आपको पता है कि जो सेल का साइटोस्केलेटन बना होता है एक्टिन के फिलामेंट्स के। बैक्टीरिया उन एक्टिन फिलामेंट्स को आपस में पॉलीमराइज करेगा और उनसे बनाएगा हमारे पास एक्टिन रॉकेट फिलामेंट्स, और फिर एक्टिन रॉकेट फिलामेंट्स के थ्रू ये बैक्टीरिया हमारे पास मूव करता है। उसके अलावा लिस्टेरिया ग्रोज वेल इन कोल्ड टेम्परेचर्स। लिस्टेरिया हमारे पास कोल्ड टेम्परेचर्स में ग्रो करता है और इसकी जो ट्रांसमिशन होती है और द फूड्स दैट इट लव्स टू ग्रो ऑन आर द मिल्क एंड द मिल्क कंटेनिंग फूड्स। मतलब हमारे पास मिल्क है या फिर मेयोनीज है उनमें ये हमारे पास अबंडेंस से ग्रो होता है और कोल्ड टेम्परेचर्स में ग्रो ये लाइक इट फेवर्स अ कोल्ड टेम्परेचर। तो इसलिए जो हमारे पास रेफ्रिजरेटेड मिल्क या फिर मेयोनीज होगा उसमें लिस्टेरिया ज्यादा ग्रो कर सकता है।
अगर आप इनके रेजर्वायर की बात करें, इनके सोर्सेज की बात करें, तो ये हमारे पास एनिमल्स में भी होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, सॉइल में भी होते हैं। लेकिन इनकी ह्यूमंस में ट्रांसमिशन कैसे होगी? इनमें इन इन बैक्टीरिया की ह्यूमंस में ट्रांसमिशन होती है वाया द अनपास्टराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट, कोल्सलो, अंडरकुक्ड मीट एंड रॉ वेजिटेबल्स। लेकिन जो मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है वो हमारे पास अनपास्टराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं और साथ ही हमारे पास कोल्सलो है, क्योंकि कोल्सलो में मेयोनीज होती है और अनपास्टराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट्स इनके हमारे पास मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है। उसके अलावा हमारे पास डोमेस्टिक और फार्म डोमेस्टिक या फिर फार्म एनिमल्स के साथ कॉन्टेक्ट के थ्रू भी बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो सकता है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो बेटा जो हमारे पास न्यू बॉर्न पेशेंट हैं, जो हमारे पास इन्फेंट्स हैं, उनमें ये दो तरीकों से ट्रांसमिट हो सकता है। उनमें एक तो हमारे पास ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर टू फेटस ट्रांसमिशन हो सकती है थ्रू प्लेसेंटा, और दूसरा तरीका है इसकी ट्रांसमिशन का कि जब स्पॉन्टेनियस वेजिनल डिलीवरी हो रही होती है, जब बैक्टीरिया बर्थ के नाल में से पास कर रहा होता है, तब बैक्टीरिया की ट्रांसमिशन हो सकती है। अगर हमारे पास प्रेगनेंसी में इसकी वजह से इन्फेक्शन होगी तो मदर में क्या डिजीजेस हो सकती है? मदर में हमारे पास कॉज कर सकता है मेनिनजाइटिस कॉज कर सकता है, सेप्सिस कॉज कर सकता है। जब आप इन्फेंट को देखेंगे तो उसमें हमारे पास अबॉर्शन हो सकता है, प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है। ये हमारे पास होगा जब ये चीजें हमारे पास तब मैनिफेस्ट होंगी जब बैक्टीरिया की ट्रांसमिशन होगी फ्रॉम मदर टू फेटस थ्रू प्लेसेंटा। और अगर बैक्टीरिया की ट्रांसमिशन उस वक्त हो रही है जब बैक्टीरिया हमारे पास जब फेटस हमारे पास बर्थ केनाल में से पास कर रहा है ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस वेजिनल डिलीवरी, तो उस वक्त हमारे पास फेटस में मेनिनजाइटिस होगा और सेप्सिस होगा। और इतने यंग पेशेंट में जब सेप्सिस या मेनिनजाइटिस हो तो इट कैन लीड टू डेथ। तो मतलब न्यू बॉर्न में, प्रेग्नेंट फीमेल में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एडल्ट में दिस बैक्टीरिया कैन बी फेटल, लेकिन जो हमारे पास हेल्दी एडल्ट होते हैं उनमें ये सेल्फ लिमिटिंग गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स में और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एडल्ट में और स्पेशली रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में ये हमारे पास मेनिनजाइटिस और सेप्सिस कॉज कर सकता है। अब बैक्टीरिया हमारे पास सेल्स को इन्वेड कैसे करेगा? बेटा जो हमारे पास लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेस का बैक्टीरिया है, ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं इंटरनलिन। वो इंटरनलिन प्रोटीन ई कैडहेरिन प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करती है। ई कैडहेरिन प्रोटीन हमारे पास सेल्स की सरफेस पर नॉर्मली प्रेजेंट होती है। इंटरनलिन प्रोटीन ई कैडहेरिन प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करेगी और इंटरनलिन प्रोटीन के थ्रू ही बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर होगा। और जब वो सेल के अंदर एंटर होगा तो फिर एज सून एज इट गेन्स एंट्री इनसाइड द सेल इट इज इंगल्फ्ड बाय अ फेगोसोम, जो कि हमारे पास सेल का नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जब भी सेल में कोई चीज बाहर से आती है, चाहे वो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस से आए या वैसे इंटरनलिन एक हेरिन के इंटरेक्शन के थ्रू आए, तो फौरन ही उस चीज की फेगोसाइटोसिस होती है एंड इट इज इंगल्फ्ड बाय फेगोसोम। लेकिन जो हमारे पास लिस्टेरिया का बैक्टीरिया है, इट प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन व्हिच इज कॉल्ड लिस्टेरियोलाइसिन। वो लिस्टेरियोलाइसिन टॉक्सिन हमारे पास फेगोसोम को डिस्ट्रॉय करेगा और फिर बैक्टीरिया सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अब हम स्लाइड से पढ़ते हैं। द पैथोजेनेसिस ऑफ लिस्टेरिया डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिजम्स एबिलिटी टू इन्वेड एंड सर्वाइव विद इन द सेल्स। Invasion of cells is mediated by internalin, which is made by listeria, and E. cadherin, which is present on the surface of human cells. Internalin हमारे पास listeria produce करता है, E. cadherin normally human cells की cell membrane जो present होती हैं, इन दोनों का interaction होगा और उसके through listeria will gain entry inside the cell. The interaction of internalin and E. cadherin is responsible to invade into different organs. ऑर्गेनिज्म को हमारे पास प्रोड्यूस करता है लिस्टेरियोलाइसिन व्हिच अलाउज इट टू एस्केप फ्रॉम फेगोसोम इनटू द साइटोप्लाज्म देयर बाय एस्केपिंग डिस्ट्रक्शन इन फेगोसोम। बेटा यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। बिकॉज लिस्टेरिया प्रेफरेंशियली ग्रोज इंट्रासेलुलरली, जो हमारे पास जो मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं वो सेल से बाहर ग्रो करते हैं, तो जब वो हमारे पास सेल से बाहर ग्रो करेंगे तो वो उनको एंटीबॉडी से न्यूट्रलाइज करना आसान होता है। लेकिन हमारे पास कुछ बैक्टीरिया हैं, जिस तरह से हमारे पास क्लेमीडिया का एक बैक्टीरिया है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज करता है, जिसे हम क्लेमीडिया कहते हैं, वो हम आगे जाके कवर करेंगे। इस तरह से हमारे पास लिस्टेरिया का एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हमारे पास फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है, मतलब कि दे प्रेफर टू लिव इनसाइड द सेल, लेकिन ये सेल से बाहर भी सरवाइव कर सकते हैं।
अब जो बैक्टीरिया हमारे पास सेल के अंदर रहते हैं बेटा, वो बैक्टीरिया उन बैक्टीरिया को हम एंटीबॉडी से न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। अगर आपने उन बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करना है तो आप यू नीड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हमारे पास आते हैं टी सेल, CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल और CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। अब लिस्टेरिया हमारे पास इंट्रासेलुलरली सर्वाइव करता है, इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट को प्रेफर करता है। तो अगर किसी भी पेशेंट में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वीक होगी तो उसमें फिर लिस्टेरिया के इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। अब कौन से पेशेंट है जिनमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वीक होती है? बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मोस्टली उन पेशेंट्स में वीक होती है जिनका कोई भी रिसेंटली ट्रांसप्लांट हुआ है, और मेनली रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है। इसकी रीजन ये है कि जो भी जब हमारे पास ट्रांसप्लांट होता है और उसके बाद ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होती है, वो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन भी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होती है। तो हमारा पर्पस ये होता है कि जब हमने किसी पेशेंट का ट्रांसप्लांट किया है तो उसे इस तरह की मेडिकेशन दी जाए कि उसकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को वीक किया जाए, ताकि उस पेशेंट की बॉडी उस नए ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो। लेकिन अगर आपने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को वीक कर दिया है तो उसकी वजह से फिर हमारे पास लिस्टेरिया के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिकॉज लिस्टेरिया प्रेफरेंशली ग्रोस इंट्रासेलुलरली, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज अ मोर इम्पोर्टेंट होस्ट डिफेंस देन ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंड सप्रेशन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रीडिस्पोज टू लिस्टेरिया इन्फेक्शन। Listeria monocytogenes can move from cell to cell by the means of actin rocket filaments of by polymerizing actin and propel bacteria through the membrane of one human cell into another. Beta, basically जब हमारे पास Listeria monocytogenes का bacteria एक दफा cell के अंदर enter हो गया तो मैंने आपको बताया था कि वह actin के filaments को polymerize करेगा और उनसे बनाएगा actin rocket filaments, और फिर एक्टिन रॉकेट फिलामेंट्स को यूज करते हुए बैक्टीरिया एक ह्यूमन सेल से दूसरे ह्यूमन सेल में जा सकता है विदाउट गोइंग इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो जब बैक्टीरिया हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ही नहीं जाएगा तो वो एंटीबॉडी या फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी से प्रोटेक्ट हो जाएगा, और उस बैक्टीरिया को कंटेन करने के लिए यू नीड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो अगर हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमारे पास वीक होगी या नहीं होगी तो उस पेशेंट में फिर लिस्टेरिया की इन्फेक्शन, और फिर लिस्टेरिया की इन्फेक्शन की वजह से सेप्सिस और दूसरी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बेटा सबको यहाँ तक समझ आई? बेटा ये जो एक्टिन रॉकेट फिलामेंट्स हैं ये बैक्टीरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन फीचर हैं। उसके अलावा बैक्टीरिया के पैथोजेनेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आपको ये लाजमी आना चाहिए। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बता दें, मैं रिपीट कर देता हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होंगी। अगर प्रेग्नेंट पेशेंट में अगर प्रेग्नेंट फीमेल को लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेस की इन्फेक्शन हो गया तो उस प्रेग्नेंट फीमेल में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? उस प्रेग्नेंट फीमेल को हमारे पास मेनिनजाइटिस हो सकता है और सेप्सिस हो सकता है। मेनिनजाइटिस आपको पता है कि उसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, उसमें पेशेंट को फीवर होगा, हेडेक होगा, न्यूक्लियर रिजिडिटी होगी, वॉमिटिंग होगी, इनसेफलोपैथी भी हो सकती है अगर आप पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे, एंड मेनिनजाइटिस इटसेल्फ कैन बी फेटल अनलेस यू ट्रीट इट। और सेप्सिस आपको पता है कि काफी सीरियस कंडीशन है, उसकी वजह से भी पेशेंट की डेथ हो सकती है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि प्रेग्नेंट फीमेल में क्या इन्फेक्शन हो सकती हैं। अब फीटस पे क्या चेंज आएंगे? अगर तो बैक्टीरिया की ट्रांसमिशन हुई है बिफोर डिलीवरी थ्रू प्लेसेंटा, तो उसमें फिर हमारे पास फीटस में प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है या फिर अबॉर्शन हो सकता है। और अगर हमारे पास ट्रांसमिशन हुई है बैक्टीरिया की जब हमारे पास स्पॉन्टेनियस वेजिनल डिलीवरी हो रही है, मतलब जब हमारे पास इन्फेंट बर्थ कैनाल में से पास कर रहा है और तब बैक्टीरिया की ट्रांसमिशन हो सकती है, हो रही है, तो फिर हमारे पास इन्फेंट्स में बैक्टीरिया कॉज करेगा मेनिनजाइटिस और सेप्सिस, और मेनिनजाइटिस इन्फेंट्स में भी फेटल हो सकता है। उसके अलावा जो हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एडल्ट्स हैं उनमें भी हमारे पास मेनिनजाइटिस और सेप्सिस ही कॉज करेगा। उसके अलावा हमारे पास जो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेस है ये हमारे पास हेल्दी एडल्ट्स में जो हेल्दी पेशेंट होते हैं उनमें सेल्फ लिमिटिंग गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करेगा। गैस्ट्रोएंटेराइटिस में आपको पता है कि क्या साइंस और सिम्टम्स होंगे, उसमें पेशेंट को फीवर होगा, एब्डोमिनल पेन होगी, वाटरी डायरिया होगा, साथ में नॉन स्पेसिफिक साइंस और सिम्टम्स फॉर एग्जाम्पल हेडेक हो सकती है, मायाल्जियास हो सकते हैं, और ये सेल्फ लिमिटिंग होती है, मतलब कि 24 to 48 आवर्स में खुद ही ठीक हो जाएगा।
और अगर आप लैब डायग्नोसिस या लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस को? मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि जब आप लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस को ब्लड एगर में कल्चर करते हैं तो ये हमारे पास ग्रे कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करेंगे और ये हमारे पास एक टॉक्सिन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि हमने पीछे डिस्कस किया है, लिस्टेरियोलाइसिन। ये लिस्टेरियोलाइसिन हमारे पास ब्लड एगर पे बीटा हेमोलिसिस भी प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हमारे पास ब्लड एगर पे लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस को कोनी बैक्टीरिया से डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स आ गए हैं। नंबर वन कौन सा है कि ये हमारे पास जब आप इसे ब्लड एगर पे ग्रो करेंगे तो ये बनाएगा ग्रे कॉलोनीज। नंबर टू फीचर क्या है कि ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा बीटा हेमोलिसिस, जबकि हमारे पास कोनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया बीटा हेमोलिसिस प्रोड्यूस नहीं करता और कोनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया हमारे पास ब्लड एगर पे प्रोड्यूस करता है क्रिस्टल वायलेट ब्लू या फिर पर्पल कॉलोनीज। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि जो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस है ये हमारे पास मोटाइल ऑर्गेनिज्म है। ये मोटाइल कैसे है, ये एक्टिन को पॉलीमराइज करता है, उसे प्रोड्यूस करता है एक्टिन रॉकेट फिलामेंट्स और फिर एक्टिन रॉकेट फिलामेंट्स को यूज करते हुए ये बैक्टीरिया मूव करता है। तो हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन फीचर्स क्या है या डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स क्या है, मोटिलिटी है, ब्लड एगर पे ग्रे कॉलोनीज है और बीटा हेमोलिसिस है। यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म हो गया। अगर कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? सबको समझ आ गई है? कोई कंफ्यूजन नहीं है इस लेक्चर में? सर जी, सर आपने वैक्सीन लगवा ली है? हाँ जी, मेरी वैक्सीनेशन तो हो चुकी है। ओके सर। हाँ आपकी मंडे से तो ऑन कैंपस क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है। हाँ जी, 7 से आपकी ऑन कैंपस क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन अगर आप ईमेल पढ़ेंगे तो आप उसमें लिखेंगे कि सिर्फ उन लोगों को कैंपस पे आना अलाउड है जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो अगर आपकी वैक्सीनेशन हो चुकी है तो फिर आप कैंपस पे आके क्लास ले सकते हैं, अदरवाइज आप फिर घर बैठ के ही जूम पे क्लासेस लें अनलेस जब तक आपकी वैक्सीनेशन नहीं हो जाती। सर आप हमारी क्लास हाइब्रिड लेंगे फिर 7 से? जी बेटा, प्लान तो फिलहाल हाइब्रिड का ही है क्योंकि हमारे क्लास में 160 बच्चे हैं, तो 160 बच्चे तो क्लास में नहीं आ सकते और फिर सबकी वैक्सीनेशन भी नहीं हुई होगी, इसलिए भी आपकी क्लास हाइब्रिड ही होगी। तो सर अगर हम वैक्सीनेशन ना लगवाना चाहें? वैक्सीनेशन ना लगवाना चाहें मतलब? आपने कोई क्वेश्चन पूछा था, स्पीड कर दें। सर उसने कहा था कि अगर वैक्सीनेशन ना लगवाना चाहें, जिस तरह के कुछ लोगों को सूट कर रही है कुछ लोगों को नहीं कर रही, तो इस वजह से कुछ लोग डर के लगवा ही नहीं रहे हैं। जैसे इवन के मुझे कुछ सूट नहीं किया, मतलब कि जबकि मैंने वैक्सीनेशन करवाई है मुझे बहुत ज्यादा गले का मसला बना हुआ है, लाइक बहुत ज्यादा मुझे कफ होती है। तो इस तरह कुछ लोग हैं जो डर रहे नहीं करवा रहे वैक्सीनेशन, वो उसलिए पूछ रही है कि अगर कोई नहीं करवाना चाहता तो लेकिन ऑन कैंपस क्लासेस लेना चाहता है तो उन लोगों के लिए क्या नोटिफिकेशन है? नहीं बेटा, इस बारे में तो यूनिवर्सिटी ने बड़ी क्लियर पॉलिसी दे दी है कि अगर आप लोगों की वैक्सीनेशन नहीं हुई तो आप ऑन कैंपस क्लास नहीं ले सकते। सर फर्स्ट के बाद तो ले सकते हैं, फर्स्ट डोज के बाद? जी सर, फर्स्ट डोज के बाद अगर लेना चाहें तो तब तो ले सकते हैं ना कि तब भी नहीं, सेकंड के बाद ही? नहीं, मेरे ख्याल में आप फर्स्ट डोज के बाद ले सकते हैं। ओके सर। सर पेपर ऑनलाइन ही होंगे बेटा? पेपर ऑनलाइन होंगे या ऑन कैंपस होंगे उस बारे में तो यूनिवर्सिटी बताएगी, अभी तक उनकी तरफ से कोई क्लियर पॉलिसी नहीं आई। हाँ अलबत्ता कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन ने डेट सेंड कर दिया कि आपके 21 जून से मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो 21 जून से आपके मिड टर्म स्टार्ट होंगे और मिड टर्म्स के बाद आपकी वो होंगी असाइनमेंट्स वगैरह और सेशनल्स। ओके सर। चलिए बेटा, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास एंड करते हैं। यस सर, एंड करते हैं। चलिए ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके, अल्लाह हाफिज सर।